लेकिन पहली बार इस बस में जा रहा हूँ। एट द सेम टाइम होटल महिंद्रा पैराडाइज, यहाँ पे खाना नहीं खाया जा सकता भाई। यानी मैं बस आपको वो एक चीज़ बताऊँगा, मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ वो सब चीज़ें मालूम होगा, क्योंकि शुरुआत ही बोल रहा था कि 6 बजे कर देगा, लेकिन कम से आप बाहर आता आते 7:30 तो हो ही गया था। दूसरा बात आप लोग को बता दूँ, लेकिन हाँ मैं अपना इंट्रो सेट नहीं किया था, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो ये मेरा फाइनल डे है, दैट्स व्हाट द रीजन। मैं हॉस्टल का पूरा एक डिटेल्स टूर भी दे दिया हूँ आप लोगों को, और ये देखो आप लोग नीचे जो आ रहे हैं ना वो हॉस्टल ओनर है, उनका नाम है श्रीकांत, और वही हॉस्टल का देखभाल करते हैं, वार्डन भी वही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सीन लुक्स लाइक। आपको मैं नंबर दे दूंगा लिंक में, अगर चाहते हो तो आप पूछताछ कर सकते हो, रह भी सकते हो आके, बेहतरीन है चीज़ें। और दूसरा बात ये बताऊँ कि आज रात को मैं मुंबई जा रहा हूँ, सो फॉर दैट रीजन ओनली आई एम लिटरली इमोशनल, बट वहाँ पे मेरे को कुछ काम मिला है एज एक्टिंग, लाइक कुछ मेरा सूट होने वाला है, फॉर दैट रीजन आई एम लिविंग। एंड दूसरा चीज़ है, दोस्त का शादी भी है, दोनों चीज़ें अटेंड करना पड़ेगा, और आई स्टे ओवर मुंबई फॉर 2-3 मंथ्स, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, फॉर दैट रीजन ये होने वाला है। चलो मिलते हैं, किसी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोई और जगह दिखाऊंगा आप लोगों को, टिल दैट पॉइंट बने रहो। एज यू सी दिस इज माय लास्ट डे ओवर इन दिस हॉस्टल स्पेसिफिकली, एंड आप लोग देख ही सकते हो आज का जो ब्रेकफास्ट है इडली और चटनी बना है, अच्छे काफ़ी लोग आए, आप लोग देख सकते हो। Most of them are North Indian, most of them are South Indian as well. Like if I would tell you, South Indian cafe, and he is the cook of PG, that white t-shirt with some leaf, and timing तो देखी चुके हो आप लोग को, मैं इस वीडियो पे वो सब दे दूँगा जो इस होटल के बारे में है। 3 hours later. तो जो आप लोग देख ही सकते हो, मैं आया हूँ हेयर ड्रेस अप करने के लिए, क्योंकि ये इवेंट है तो उसके हिसाब से मैं अभी थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई फील लाइक हो जाएगा आधे घंटे में, फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो द सेम शॉप बट आई हैव डन बिफोर बिफोर दिस मंथ, तो द बाल थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि अजीब लग रहा है, ऐसे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। सो द थिंग इज इसकी मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, एंड दिस इज द लास्ट मोमेंट इन दिस पीजी, आई मीन आई गेस लास्ट ईयर, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट गोना हैपन, एंड सुरेंद्र इज विथ मी एंड राकेश नेम द गाय इज विथ मी हु वाज गोइंग टू सेंड ऑफ गिव टू गिव मी अ सेंड ऑफ, फॉर दैट रीजन आई जस्ट ओनली कैन से दिस की चलो चलते हैं और अपना जर्नी दिखाते हैं, टिल दैट पॉइंट हैव फन। एंड तो जाते वक्त कुछ मीठा हो जाए ये तो सुना था, और ये कुछ इंप्लीमेंट करते हुए मैं ये आइसक्रीम खाने आ गया था, एंड फॉर दैट रीज़न यू गाइस कैन सी लाइक आइसक्रीम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ फ्रूट सैलड अच्छा से मिल गया था, और वो भी ड्राई फ्रूट का सैलड था, तो मैं ये ले लिया। 60 रुपये का आता है, आगरा फूड्स इज़ द बेस्ट इन हैदराबाद इफ आई वुड टेल यू गाइस, ज़रूर ट्राई करना अगर आप हैदराबाद में। लेफ्ट पॉइंट बने रहो। Eventually. So as you see, अभी गाड़ी आने वाला है क्योंकि ड्राइवर ने मेरे को फ़ोन किया था, तो द फाइनल मैसेज इज अराइव्ड, और सुरेंद्र ने अपना चेहरा बना दिया है, अभी मैंने देखा इसका ऐसा चेहरा बना है जैसे कि ये लोग ऐसे चेहरा बना रहे थे ना, मैंने बोलना नहीं चाहिए। गाड़ी कब आएगा भाई, गाड़ी कब आएगा, गाड़ी मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है आऊंगा, हैदराबाद आऊंगा तो मिलूंगा, ठीक है सब सही जाए तो हैदराबाद आता हूँ, दुआ कर मेरे लिए भाई, तेरे लिए भी मैं दुआ करता हूँ, तू खुश रहे, ठीक है चल बाय। तो जो जी आप लोग देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ अभी पिकअप बस में, मैं आपको अपना चीज़ें दिखाता हूँ,
यहाँ से शायद हमें किसी जगह ले आ जाएगा, वहाँ से मेन बस होगा। बहुत थक गया हूँ, यानी लिटरली एक घंटा खड़ा कर दिया ये बस वाले ने। खोपड़ी तोड़ साले। सो यू सी देयर इज माय लगेज, बैग भी फुल रेडी। ट्रैफिक पूरा है भाई, इसलिए तो प्रॉब्लम है, आगे पीछे पूरा ट्रैफिक है, फॉर दैट रीजन ओनली ड्राइवर सर ड्राइविंग स्लो। चलो पहले पहुँचते हैं, ऐसे ठीक ठाक है, चलेगा। और ये क्या है नहीं मालूम, रिमोट है, हम नॉट रहा नहीं, चार्जिंग के लिए भी सॉकेट है साइड में, तो अभी के लिए कोई नहीं, पता चला नसीब में अगर सच में कोई नहीं है पूरा जर्नी में, तो भाई मेरे लिए तो चांदी चांदी के भाव बढ़ने वाले हैं। आप लोग देख ही सकते हो, एक छोटा सा ब्रेक है, 20 मिनट का ब्रेक लिया गया है बस के बदौलत। एंड एट द सेम टाइम बस का नेम लिमो राइडर है। लाइटिंग इधर से अच्छा आ रहा है इसीलिए मैं इस तरफ वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोग को दिखा सकता था कुछ चीज़ें, फिर भी अभी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये है होटल, यू गाइस कैन सी होटल महिंद्रा पैराडाइज, काफ़ी तरफ बसेस हैं, और ये रहा अपना बस एंड लिमो लाइनर। 20 मिनट का ब्रेक लिया है बस ने, तो मैं जल्दी आया कुछ खाने के लिए, और ये रहा बस अपना। जर्नी जारी रखते हैं, पहले वहाँ पे चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। यहाँ पे एक ऑरेंज का नॉट ओनली एक दो बस है भाई इधर, आई गेस दोनों ही शायद मुंबई ही जा रहे हैं, हम नॉट रॉन्ग। तो चलो पहले कुछ खाते हैं फिर आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये मैं रोटी और दही मंगाया हूँ भैया, थोड़ा आओ ना। तो बस रोटी और दही खा के जा रहे हैं, और जो भी सिनेरियो है मैं दिखा नहीं सकता, अजीब है, पेट खराब हुआ पड़ा है, अभी सबसे मैदा खाने को मिल गया। ओ भैया जी आपको बुला रहा है भैया, रोटी कितना है, एक पीस कितना है? 20 26 रुपए एक रोटी, और दही ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब ये कुछ खेरताबाद बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये हॉल्ट है, लिमो लाइनर मेरा बस का नाम है। मैं पहली बार इस एजेंसी के बस में जा रहा हूँ, ज़्यादातर ऑरेंज नहीं तो दूसरा कुछ कावेरी इन सब बसों में जाता था, लेकिन पहली बार इस बस में जा रहा हूँ। एट द सेम टाइम होटल महिंद्रा पैराडाइज, यहाँ पे खाना नहीं खाया जा सकता भाई, यानी मैं बस आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ वो सब चीज़ें। तो रोटी लिया वो मैदा का था, एक रोटी 26 रुपये का था, और दही लिया वो 40 रुपये का, यानी नॉर्मली 40 रुपये में क्या ही मिलता है, ठीक है, लेकिन रोटी 26 रुपये थोड़ा ज़्यादा लगा। तो दही लेकिन मस्त था, नेचुरल दही था, मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ था तो मैं वही खा लिया, और कुछ चिप्स वगैरह पकड़ा, आप लोग देख ही सकते हो। तो ये सब बस पे एंड चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, कब तक पहुँचते हैं देखेंगे, तो खा के सो जाऊंगा बस टाइम पास करने के लिए, रात में थोड़ा अगर भूख लगे तो ये सब खाने के लिए रखा हूँ मैं। चुके हैं मुंबई की तरफ, अभी मुंबई एंट्री में है गाड़ी, पनवेल से 80 किलोमीटर कुछ है यहाँ पे, मैं बोर्ड में देखा था इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ।
रोड देखो क्या मक्खन की तरह रोड लग रहा है। ऑब्वियसली नेशनल हाईवे है तो अलग ही तरह का रोड है। ये रोड पे गाड़ी मिल जाए, बाइक मिल जाए ना, प्यारा लगेगा यार, ये बेस्ट चीज़ होगा। लेकिन क्या करें, आज हम बस में, बस का एवरेज आप देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर कमेंट्स करना हो या कुछ भी आपको बताना हो देन यू कैन सजेस्ट मी बिलो इन माय कमेंट बॉक्स एज द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल हैंडल एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टिल दैट पॉइंट आप लोग को मिलता हूँ एक ऐसे ही मस्त वाला ब्लॉग में। So hey guys, welcome back to the vlog. Today is day 2.